हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। उमस वाली गर्मी अभी बरकरार रहेगी, बाकी कुछ जिलों में मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के पटना समेत भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार के कुछ जिले पश्चिम चंपारण समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली खबर, राजद की MLC मुन्नी रजक ने भाजपा की नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ललकारा और कहा कि उन्हें आवास नहीं मिल रहा। इस पर भी जरा ध्यान दें, सिर्फ अंगुली दिखा दिखा कर बोलती रहती है। मुन्नी रजक ने कहा कि लालू प्रसाद ने मुझे सड़क से उठाकर उच्च सदन विधान परिषद में भेजने का काम किया है और भाजपा के लोग आवास नहीं दे रहे। ये बताया गया कि 22 जुलाई को ही आर ब्लॉक के पास 42 नंबर MLC आवास प्लॉट अलॉट किया गया था, लेकिन इसमें पहले से ही JDU के पूर्व CP सिन्हा रह रहे और मुझे आवास अलॉट होने के बावजूद वो खाली नहीं कर रहे, हथियाए हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी एक साल और रहेंगे। अगली खबर, मुंहबोले चाचा ने भतीजी से किया रेप, बांका में पिता के सदमे में मौत, पीड़िता की हालत गंभीर। बिहार के बांका में मुंहबोले चाचा ने भतीजी के साथ रेप किया। बेटी के साथ चाचा की गंदी हरकत की जानकारी लगते ही पिता की सदमे में मौत हो गई। लड़की नाबालिग है और उसकी हालत गंभीर है। इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा और घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। घटना के समय वह घर में अकेली थी, माता पिता बाहर गए थे। लड़की आरोपी युवक को चाचा कहती थी। लड़की कुछ समझ नहीं पाई और आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म का प्रयास किया। अगली खबर, बिहार में मुहर्रम पर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पूर्णिया में इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर विशेष सतर्कता एवं निगरानी की आवश्यकता बताई गई। इसको लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी निगरानी एवं अफवाह फैलाने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा गया। जिलाधिकारी सुहर्ष भगत एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से मुहर्रम त्यौहार के साथ विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय अंचलाधिकारी को सूचित किया गया है और कहा गया है कि मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाए और मुहर्रम जुलूस के दौरान जुलूस एवं अखाड़ा में जुलूसधारी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। जुलूस किस समय किस स्थान से शुरू होगा, उसका रूट किन किन मार्गों से होगा, इसको बताना होगा। जुलूस अनुज्ञप्ति में शामिल होने वाले समुदाय के कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक व्यक्तियों जिसका 20 का संपर्क नंबर एवं पूर्व पता के साथ सूची भी देनी होगी। अगली खबर, सारण में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत, थानेदार चौकीदार सस्पेंड किए गए। सारण जिले के मखीर थाना क्षेत्र के भाथा नोनिया टोली एवं भेल्दी थाना क्षेत्र के सोनहो भाथा गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 9 की मौत PMCH में जबकि 1 की मौत सारण से पटना ले जाने के दौरान हो गई। 1 अन्य की मौत सारण में ही हो गई। स्वजनों ने उसके शव की अंत्येष्टि भी कर दी है। 17 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बीमार लोगों का इलाज PMCH में कराया जा रहा। इधर इस घटना से हड़कंप मचा है। पुलिस ने शराब बेचने के आरोपित को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही लापरवाही को लेकर मकेर थानेदार नीरज कुमार एवं फुलवरिया थानेदार फुलवरिया चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर, पटना गांधी मैदान के झंडोत्तोलन में आम लोगों की एंट्री बैन की गई। स्वतंत्रता दिवस की गाइडलाइन जारी की गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगातार तीसरे साल बिहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य आयोजन के अभाव में सादा एवं फीका नजर आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में गिने चुने लोगों की मौजूदगी में तिरंगा झंडा फहराएंगे। समारोह में दूसरे राज्यों से मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे। आम लोगों की भी एंट्री पर बैन लगाया गया है। इसे लेकर बिहार कैबिनेट सचिवालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है। अगली खबर, बिहार में मुखिया को भी लेना होगा GST नंबर, तभी कर पाएंगे भुगतान। सहरसा में बाधित हो रहे विकास के कार्य, सरकारी योजनाओं के भुगतान में सरकार के नए प्रयोग, डिजिटल भुगतान आते ही योजनाओं के भुगतान पर ग्रहण लग गया है। पंचायत की सरकार को गठित हुए लगभग 7 माह का समय गुजर चुका है, लेकिन विकास योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पहले सरकारी प्रावधान के तहत प्रखंड में विकास योजनाओं के संचालन को लेकर एक पद BPRO सृजित किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया और पुनः योजना संचालन का प्रभार BDO को सौंप दिया गया। योजनाओं की राशि भुगतान के बदले नियम के मुताबिक चेक से भुगतान प्रक्रिया समाप्त कर दी गई और इसकी जगह सभी निकासी और बयान पदाधिकारी के नाम
डिजिटल भुगतान के लिए डोंगल बनवाए गए, जिसे बनाने में ही करीब 5 माह का समय गुजर गया। जीएसटी नंबर को लेकर भी समस्या सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि बिहार के मुखिया को भी जीएसटी नंबर लेना होगा और तभी वो भुगतान कर पाएंगे। अगली खबर, बिहार में 13,000 शिक्षकों में केवल 421 ही प्रधानाचार्य बनने योग्य हैं, फेल हो गए 12,636 गुरुजी। बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए 6,421 पदों का परिणाम जारी कर दिया। इसके लिए बीते 31 मई को परीक्षा हुई थी। राजधानी के 25 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 13,055 अभ्यर्थी शिक्षक शामिल हुए थे। अब न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर 421 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बताया कि लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया, जिसमें से 12,634 गुरुजी असफल हो गए और मात्र 421 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। अगली खबर, भागलपुर में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर के तत्वाधान में जिले के तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसमें सेविका और सहायिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 20 सूत्री मांगों में स्थायी नौकरी, पेंशन, वेतन वृद्धि आदि की मांग कर रही थी। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 28 और 29 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल किया जाएगा। इससे जिले भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए जाएंगे, साथ ही विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से सरकार एवं विभाग दिन भर काम कराती है, मानदेय के रूप में काफी कम राशि मिलती है, इससे सेविका सहायिका स्वयं अपना पेट भी नहीं भर सकती। अगली खबर, आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। संसद भवन में उठी 15,000 और 10,000 रुपए मानदेय करने की मांग। बीजू जनता दल ने एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए कहा कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर कार्य किया है। बिजद के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाने, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया जा रहा। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है और यह विडंबना है कि संकट के समय में अधिक परिश्रम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को मात्र 4500 रुपये और आशा कर्मियों को केवल 2500 रुपये का मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत कम है और इसे मोदी सरकार अपने स्तर पर 15,000 रुपये आंगनबाड़ी कर्मियों को दे और 10,000 रुपये कम से कम आशा कर्मियों को दिया जाए, जिससे कि ये सभी अपने काम को ठीक ढंग से कर पाए। अगली खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की नई सेवा शर्त रूलबुक को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई सेवा शर्त के मुताबिक कई सहूलियतें मिलेगी। वर्षों पुराने उनकी मांग सरकार ने पूरी की है। पुस्तकालय अध्यक्षों, महिला दिव्यांग शिक्षकों को अपने नियोजन इकाई एवं अपने जिले से बाहर एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने वाला है। वहीं पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को इसका लाभ आपसी सहमति से मिल पाएगा। प्राथमिक से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग्य शिक्षकों की प्रोन्नति भी की जाएगी। मध्य और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 50% पद प्रोन्नति से ही भरे जाएंगे, यानी कि नियोजित शिक्षकों को ही प्रचार भी बनाया जाएगा और महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश को 135 दिन से बढ़ाकर 190 दिन कर दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों को भी 10, 20 और 30 साल पर मिलेगा वित्तीय प्रोन्नति का लाभ। प्रारंभिक शिक्षकों को भी 10, 20 और 30 साल पर वित्तीय प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार मंत्रिपरिषद की एक बैठक में लिए गए निर्णय मुताबिक अब प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं सहायक शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। वित्तीय प्रोन्नति पर मुहर लगने पर जिला संघ के अध्यक्ष प्रधुमन प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बैद्यनाथ पाठक एवं प्रधान सचिव भूप नारायण पांडे ने कहा कि लंबे समय से संघ इसकी लड़ाई लड़ रहा था और ये जब मिल गया है तो ये हम सभी की एक बहुत बड़ी जीत है। अगली खबर, बिहार के संविदा कर्मियों को बेटेस देने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसमें सभी विभागों को इसके मुताबिक ही कार्रवाई करने को कहा गया। इसके मुताबिक अनुभव का बेटेस देने के क्रम में अगर कोई वर्ष अधूरा रह जाता है या किसी कर्मी ने वर्ष के कुछ महीनों ही काम किए हों तो ऐसी स्थिति में बेटेज अंक का निर्धारण करने के लिए अभ्यर्थी के कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के बाद उसमें 365 से भाग देना होगा और जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अनुभव के आधार पर संविदा कर्मियों को बेटेज देने के मामले में अधिकृत संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे अन्य संस्थाओं से निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना भी जरूरी किया गया है। तो दोस्तों, बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।